हेलो गाइस, अभी तक आपने जितनी भी बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्में देखी हैं, चाहे वो साउथ इंडियन सिनेमा से हो या फिर बॉलीवुड से, पठान, जवान, केजीएफ, गदर 2 या फिर हाल ही में आई एनिमल, इन सभी फिल्मों को आप भूलने वाले हो। वायलेंट एक्शन क्या होता है, असली सिनेमा किसे कहते हैं, ये सब आपको दिखेगा मेगा स्टार सलमान खान के साथ। जी हाँ, उनकी आने वाली फिल्म में जिसका बजट 400 करोड़ रखा गया है। तो कौन है वो प्रोड्यूसर जो सलमान खान के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है? फिल्म को कौन सा बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि फिल्म आपको कब तक देखने को मिलने वाली है? तो आइए जानते हैं पूरी खबर। साउथ के बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर चुके A.R. मुरुगदॉस 2008 में गजनी और 2014 में हॉलीडे जैसी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्में लाए थे। ये कई सालों से सलमान खान के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाना चाहते थे, जिसके फाइनली अब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान अनाउंसमेंट कर दी है कि 2025 की ईद हर किसी को याद रहने वाली है, क्योंकि इस दिन सलमान खान के साथ ये अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला। फिल्म का बजट 400 करोड़ रखा गया है। फिल्म में आपको सलमान खान का एकदम रो एक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़े लेवल की एक्शन फिल्म रहने वाली है ये, और हर किसी ने इनकी गजनी फिल्म देखी है तो हर किसी को पता है कि ये किस लेवल का थ्रिल और एक्शन फिल्म में डालते हैं। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान के साथ उससे भी बड़े एक्शन के साथ बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें सलमान खान एकदम धासु अवतार में देखने को मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये गजनी के टाइम से, यानी कि 2008 के टाइम से ही सलमान खान के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब बड़े इंतजार के बाद साजिद नाडियाडवाला के साथ मिलकर ये गजनी से भी बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं सलमान खान के साथ, और 2025 की ईद फिक्स कर दी गई है। तो ऐसे में आप सलमान खान की एक बड़ी एक्शन फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिसमें सलमान खान एकदम रो अवतार में नजर आएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और भी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।